कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में काफी महत्व होता है। इस दिन कार्तिक का पूर्ण महीना समाप्त होने के साथ ही भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा के बाद श्रेष्ठ संचालन का काम फिर से अपने हाथों में ले लेते हैं। देव उठानी एकादशी पर भगवान विष्णु के चतुर्मासी निद्रा से जागने के बाद सभी देवता दीपदान करते हैं, इसलिए इस पर्व को देव दीपावली कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार दीपावली पर माता लक्ष्मी अपने प्रभु भगवान विष्णु से पहले ही जाग जाती है, इसलिए दीपावली के दिन 15वें दिन कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली मनाई जाती है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता अनुसार भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन काशी में पहुंचकर त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर सभी को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इससे प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने स्वर्गलोक में दीपोत्सव मनाया था। काशी और देव दिवाली का संबंध। काशी में देव दीपावली मनाए जाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है। इस कहानी के अनुसार भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर देवताओं को स्वर्ग वापस दिलाया था। तारकासुर का वध होने के बाद उनके तीनों पुत्र ने फिर देवताओं से बदला लेने का प्रण लिया। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या कर तीन नगर मांगे और कहा कि जब ये तीनों नगर अभिजीत नक्षत्र में एक साथ आ जाएं, तब असंभव रथ असंभव बाण से बिना क्रोध किए हुए कोई व्यक्ति ही उनका वध कर पाएगा। इस अत्याचार से ग्रसित देवता एक बार फिर त्रिपुरासुर से बचने के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने खुद ही पहुंचकर त्रिपुरासुर का अंत किया, जिसके बाद शिव नगरी पहुंचे देवताओं ने दीपदान किया। तभी से काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाने की परंपरा चली आ रही है। अष्टधातु प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम। देव दीपावली के मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम में सष्टम सतुआ बाबा जगत गुरु यमुनाचार्य महाराज की अष्टधातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह प्रतिमा आश्रम के साधना कक्ष सप्त भवन में स्थापित की जाएगी। प्रतिमा का अनावरण करने के बाद ही सीएम योगी देव दीपावली उत्सव में शामिल होंगे। यह पहली बार होगा जब गंगा दूसरे किनारे रेती पर दीपों की लड़ियां रोशन होंगी, जिसके लिए कई समितियों ने आगे आकर सहयोग देने की कोशिश की है। इसके बाद 84 घाटों और किनारों के ऐतिहासिक भवनों समेत गंगा पार में करीब 20 लाख दीपदान के लिए सैकड़ों लीटर तेल दीप बत्ती जुटाने और घाट समितियों को उसके वितरण की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। यह होगा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 23 नवंबर 2018 18:35 लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बावतपुर 18:40 कार द्वारा बावतपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान 19:20 खिड़किया घाट पर आगमन होगा 19:20 खिड़किया घाट से क्रूज द्वारा प्रस्थान 19:25 राजघाट पर आगमन 19:25 से 19:35 तक देव दीपावली कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे 19:35 क्रूज द्वारा राजघाट से प्रस्थान 19:50 दशाश्वमेध घाट पर आगमन 19:50 से 20 तक आरक्षित 20 से दशाश्वमेध घाट से क्रूज द्वारा प्रस्थान 20:20 अस्सी घाट पर आगमन एवं 20:20 से 20:50 तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दशावलोकन होगा 21:20 से 21:50 तक सतुआ बाबा के आश्रम पर कार्यक्रम 21:50 मणिकर्णिका घाट से पैदल प्रस्थान कर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पर समय 22 तक आगमन 22 से 22:10 तक काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के कार्यक्रमों का निरीक्षण एवं दर्शन पूजन 22:10 काशी विश्वनाथ मंदिर से कार द्वारा प्रस्थान 22:40 बावतपुर एयरपोर्ट पर आगमन होगा 22:45 बावतपुर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए प्रस्थान। न्यूज टाइम्स के लिए गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।